नमस्कार दोस्तों, आज के इस वोकैब शो में हम लोग सीखेंगे 10 न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज डॉडल। इसका मतलब होता है समय नष्ट करना, वेस्टिंग टाइम, मीनिंग द वेस्टिंग टाइम। एंड सिनोनिम्स आर लॉयटर एंड प्रोक्रेस्टिनेट, एंड एंटोनिम्स आर हैसन एंड हैरी। एग्जाम्पल सेंटेंस इज ही स्कोल्ड हिज सन नॉट टू डॉडल। तो डॉडल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है समय नष्ट करना, यदि कोई विदाउट एनी पर्पज अपना समय नष्ट करता है हियर एंड देयर, तो उसको कहते हैं डॉडलिंग हिज टाइम। एंड तो इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं डॉडल। एंड लॉयटर का मतलब होता है मटरगस्ती करना, दिया जाता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैसन एंड हरी। सेकेंड वर्ड इज नोक्सियस। इसका मतलब होता है हानिकारक, हार्मफुल, समथिंग दैट कॉजेस हार्म, मीनिंग इज हार्मफुल एंड पॉइजनस आर वेरी अनप्लेजेंटली। एंड सिनोनिम्स आर डिस्ट्रक्टिव एंड हार्मफुल। दीज आर टू वर्ड्स आर सिनोनिम्स ऑफ नोक्सियस। एंड एंटोनिम्स आर हेल्पफुल एंड काइंड। दीज आर टू वर्ड्स आर एंटोनिम्स। एग्जाम्पल इट इज स्मोकिंग इज नोक्सियस फॉर ऑल योर हेल्थ। तो धूम्रपान करना आपके सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो इस एग्जाम्पल सेंटेंस से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। यदि आप और सारे एग्जाम्पल अपने आप से बनाते हैं तो आपको जितने ज़्यादा सेंटेंस आप बनाएंगे उतना आपको वो कैब याद करने में मदद मिलेगी। थर्ड वर्ड इज कन्फिस्केट। इसका मतलब था जब्त कर लेना, कोई सेज कर लेना। एंड मीनिंग इज टेक आर सीज समवन फ्रॉम वन अथॉरिटी, समवन प्रॉपर्टी विद अथॉरिटी। एंड सिनोनिम्स आर अप्रोप्रिएट एंड पाउंड। किसी आदमी की किसी रूल का प्रयोग करके, कानून का प्रयोग करके आप किसी को प्रॉपर्टी को जब्त कर लेते हैं उसको कहते हैं कन्फिस्केशन, जब्त कर लेना। एंड अप्रोप्रिएट एंड पाउंड आर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर फ्री एंड रिलीज। एग्जाम्पल सेंटेंस की बात करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस द लॉ अलाउज फॉर कन्फिस्केशन ऑफ व्हीकल्स यूज्ड इन क्राइम्स। तो कानून हमारा कहता है, परमिशन देता है कि आप जब्त कर सकते हैं व्हीकल्स जो क्राइम में, अपराध में यूज होते हैं, यूज करते हैं लोग, उसको आप जब्त कर सकते हैं। तो इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। फोर्थ वर्ड इज वीडल। इसका मतलब था खुशामद करना, फ्लैटरिंग करना, फ्लैटर करके आप किसी को कन्विंस करते हैं, तो उसको कहते हैं वीडलिंग, मीनिंग इज फ्लैटर। सिनोनिम्स आर कैजुअल एंड क्विक्स। इसका मतलब फुसलाना, किसी को कन्विंस कर लेना। एंड एंटोनिम्स आर डिस्कस्ट एंड बुली। एग्जाम्पल सेंटेंस बात करें, ही वॉज नॉट गोइंग टू टेल मी बट आई वीडल्ड इट। वो कुछ नहीं बताना चाह रहा था लेकिन हमने उसको वीडल किया, कन्विंस किया, और उसमें उसे सारा कुछ हमने मतलब उससे पूछ लिया जो कुछ हमें जानना था। तो विडल मतलब था फुसला के या कन्विंस करके आप कुछ बातें उससे मना लेना। तो इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते। फिफ्थ वर्ड इज रैम्बक्शन। इसका मतलब उद्यमी, नोइजी जो है, शरारती है, पार्टी, मीनिंग इज लाउड एंड एनर्जेटिक। एंड सिनोनिम्स आर बॉइस्टरस एंड नोइजी। एंटोनिम्स आर काम एंड क्वाइट। एग्जाम्पल सेंटेंस द किड्स आर बीइंग स्पेशली रैम्बक्शंस टुडे। जो आजकल के बच्चे हैं वो सारे मतलब नोइजी हो गए, शरारती हो गए, एनर्जेटिक हुए हैं। तो रैम्बक्शन का मतलब एनर्जेटिक, उद्यमी, जो शरारती हैं। तो इससे आप इस वर्ड को याद हो सकते। नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज फैनेटिकल। इसका मतलब था कट्टर, मीनिंग इज नैरो माइंडेड पर्सन हु इज नैरो, उसको हम कहते हैं फैनेटिकल। एंड सिनोनिम्स आर ऑर्थोडॉक्स
and biased. Antonyms are liberal and unprejudiced. And examples, it is her devotion to her pets was fanatical. तो उसका जो एक प्रकार से लगाव था जो अपने पेट्स पालतू जानवरों के प्रति वो बहुत एक प्रकार से कट्टर था. अगर मैंने उसके बारे में कोई कुछ कहे तो उसको बुरा लगे तो एक प्रकार से उसका फैनेटिकल बिहेवियर था. वो कट्टर थी, उसके बारे में कोई कुछ कहता तो वो बुरा मान सकती है. इससे हर तो एग्जाम्पल छोटे से आप इस वर्ड को याद रख सकते हो. फैनेटिकल मतलब था कट्टर. नेक्स्ट वर्ड इज इपीग्राम. इसका मतलब होता है चिपकुला, कोई जोक टाइप का, उसको कहते हैं फनेट. इपीग्राम एंड सिनोनिम्स आर विटिसिज्म एंड क्वर्क. एंड एंटोनिम्स आर सीरियसनेस एंड सिंसियरिटी. दीज टू वर्ड्स आर एंटोनिम्स. एंड एग्जांपल सेंटेंस इज एवरीबॉडी लाफ्ड व्हेन ही टोल्ड. सभी लोग हंसने लगे जब उन्होंने सुनाया एक चुटकुला सुनाया एक जोक जो सुनाया आन मिस्टर लालू प्रसाद. तो सारे लोग हंसने लगे. तो इस एग्जांपल सेंटेंस से आप जितने सारे एग्जांपल सेंटेंस बना सकते हैं उससे ज़्यादा आपको ये वोकैब याद करने में आसानी होगी. तो इस एग्जांपल सेंटेंस से आप इस वर्ड को याद रख सकते हो. नेक्स्ट वर्ड इज यार. इसका मतलब तो चाइना किसी चीज़ क्रेव फॉर समथिंग एंड वांट. मीनिंग इज डिजायर स्ट्रॉन्गली. एंड सिनोनिम्स आर क्रेव एंड कोविट. एंड एंटोनिम्स आर एब्जोर एंड डिसलाइक. एग्जाम्पल सेंटेंस बोथ ऑफ देम देम यार टू ईच अदर. तो उसमें से दोनों लोग एक दूसरे को बहुत सारा बहुत चाहते हैं. तो यार मतलब होता है लविंग आर क्रेव फॉर समथिंग. तो इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते. नाइन्थ वर्ड इज जेवलर. इसका मतलब होता है गपशप करना, फालतू की बातें करना. मीनिंग इज बाइबल एंड सिनोनिम्स आर चैटर एंड गैप. चैटर करना एंटोनिम्स आर साइलेंट एंड क्वाइट. एग्जांपल सेंटेंस इज ही नेवर टॉक्ड रिलेवेंट पॉइंट्स. वो कोई तर्कसंगत बात नहीं करता है एक्सेप्ट जेवलर. बस सिर्फ गपशप बातें करता है और उसके सिवा वो और कुछ नहीं करता. तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ फालतू की बातें करते हैं, उनको कोई अपने तर्क उसमें कुछ नहीं. तो इससे आप उस वर्ड को याद रख सकते हैं. लास्ट वर्ड इज विलीफाई. इसका मतलब होता है बदनाम करना एंड कंडेम करना. एंड मीनिंग इज क्रिटिसाइज एंड सिनोनिम्स आर डैम डैम एंड ये दी जाए. This is them and this is incorrect. And antonyms are praise and loud. Example sentence is she vilified the public. तो वो बदनाम हुई है by an unknown person. वो public में बदनाम हो गई बाई एन अनोन पर्सन. जो वो उसको जानती भी नहीं थी और वो बदनाम हुई. तो विलीफाई मतलब था बदनाम करना. तो किसी ने उसको अनजान आदमी ने उसको बदनाम किया. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट वर्ड इज मॉडल. इसका मतलब था समय नष्ट करना. एंड सेकेंड वर्ड इज नोक्सियस मतलब हानिकारक. थर्ड वर्ड इज कन्फिस्केट. इसका मतलब होता है जब्त करना. फोर्थ वर्ड इज विडन. इसका मतलब होता है खुशामद से मना लेना. फिफ्थ वर्ड इज रैम्बक्सन. इसका मतलब होता है उद्यमी शरारती. एंड सिक्स वर्ड इज फनेटिकल. इसका मतलब होता है कट्टर. सेवेंथ वर्ड इज इपीग्राम. इसका मतलब होता है चुटकुला या जोक. एट्थ वर्ड इज यार मतलब चाइना. नाइन्थ वर्ड इज जैवलन. इसका मतलब होता है गपशप करना. टेंथ वर्ड इज विलीफाई. इसका मतलब होता है बदनाम करना. स्क्रीन शॉट ले सकते हैं सारे वर्ड एक स्थान पे. बस आज के लिए इतना ही.